सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आशा करता हूँ सारे अच्छे होंगे। तो भाई थैंक यू सभी का यार, अपनों ने 15K क्रॉस कर लिए हैं यूट्यूब पे। और जल्दी ऐसी आप देखो, जो भी नए वीडियो पे आ रहे हैं भाई चैनल सब्सक्राइब करो, और जो पुराने भी देख रहे हैं अगर चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो जल्दी से जाके अभी पहले चैनल सब्सक्राइब करो, और भाई ऐसी प्यार जमाते रहो ताकि मेरे को भी मोटिवेशन बना रहे। यहाँ पे इतना हसल टसल है तो वीडियो बनाने का टाइम आपके प्यार से मिल पाता है। आप इतना प्यार देते हो, मोटिवेशन देते हो, तो अपने लगे रहते हैं। और फिलहाल आज है सैटरडे, आज मैं जा रहा हूँ कहाँ, आप टाइटल से समझ ही गए होंगे। जितने भी वीकेंड होते हैं मैं होपफुली ट्राई करता हूँ कि जा सकूँ ऐसी डिवाइन जगह पे जहाँ से माइंडसेट भी थोड़ा रिलैक्स हो और पावर मिले। यार बेसिकली आपको ऑल यू नीड इज़ पावर, स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ ऐसे कहने से नहीं मिलती है, यू नीड सम डिवाइन मोटिवेशन। और मेरी मोटिवेशन जिस जगह से आती है अपने, मैं वहीं जा रहा हूँ, तो आपको भी लेके चलते हैं। फिलहाल अभी हो रहा है मौसम बहुत बढ़िया, देख रहे हो आप हवा कैसी चल रही है, हवा बिल्कुल बढ़िया चल रही है। और गाड़ी अपनी ये रही, मैं गाड़ी से आज मैं जाऊँगा ट्रेन से, तो आपको ट्रेन पूरा हसल तसल दिखाएंगे, मस्त अपना पूरा एक्सपीरियंस। आज जाएंगे ट्रेन से, फिर बस ट्रैम वैम करेंगे सिटी में, तो चलते हैं निकलते हैं यहाँ से, फिर दिखाते हैं। सो यार अभी पहुंच गया मैं स्टेशन और ट्रेन भी आई है। तो गाइज अभी मैं पहुंच गया हूँ सिटी, और भाई सिटी की अलग ही वाइब है, ठीक है। और अभी हमारे साथ है कौन, से हाय टू दीपशिका। हाय। तो अभी दीपशिका भी अभी इंडिया से आई है कुछ दिन पहले। तो दीपशिका कितना टाइम हो गया? मुझे 1 month हो गया इस 12th को। कैसा रहा फिर एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा भी नहीं बोलूंगी, और अभी तो मैं फिगर आउट कर रही हूँ चीजें कि कैसे है कैसा नहीं है। अच्छा। कॉलेज, जॉब एंड एवरीथिंग, सो जस्ट गोइंग विद द फ्लो एज ऑफ नाउ। तो दीपशिका भी सिटी में ही थी, कहाँ पे आ रखी थी दीपशिका? मैं लाइब्रेरी गई थी कुछ बुक्स इशू कराने के मुझे। अच्छा, हम लोग शायद उधर जाना है, उधर पीछे गलत आ गए। तो अभी दीपशिका सिटी में ही थी, और बाकी व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, यार व्यू बड़ा प्यारा हो रहा है। तो अभी जा रहे हम टेम्पल चलते हैं, मुझे कुछ खाने का मन हो रहा है, और वहाँ विजिट भी कर लेंगे और प्रसाद भी ले लेंगे। और घुमा दो मुझे कहीं अच्छा सा, मैं तो कहीं भी नहीं घूमी अभी तक सिटी का। मेरे को घुमाने के लिए बोल दिया अभी गाइज, मैं खुद ही इतना नहीं घुमाऊँ, पर जितना भी घुमाऊँ आप भी मेरे साथ ही इस जर्नी में घूमे हो। बाकी यार सिटी की वाइब अलग है, मतलब आप सिटी आते हो सिटी की वाइब अलग ही लगती है मेरे को। मैं रहता हूँ सबब में, ठीक है, सबब की वाइब अलग है। ऐसा फील नहीं होता है कि मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया पे हूं। हाँ, मतलब बाहर रहते हैं, आउटर में रहते हैं तो फील नहीं आता। तो कॉलेज भी जाते हैं तो फील होता है कि चलो बाहर। हां, मेलबर्न का फील सिटी में ही है। तो अभी ट्रैम पकड़ते हैं और चलते हैं, वहाँ पे बात करते हैं आपसे। और यार अगर आप ट्रैम और ट्रेन पे इतना चल रही हो तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। अभी जैसे ये पीछे दो बार गलत ट्रैम्स पे उठा दिया, और तो अभी दो बार हम गलत पे चढ़ गए, बट कन्फ्यूजन होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, बट अब ये बारी हम सही पकड़ेंगे इस बार सही पकड़ेंगे भाई। हम वेट वहाँ पे कर रहे थे जहाँ पे वो ट्रैम ही बंद हो रखी थी, तो अब हमने दूसरा रूट पकड़ा और फाइनली वो आ गई। देखो भाई पूरा एक घंटा बर्बाद करके, कैसा लग रहा है फिर? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तुमने 3 ट्रैम्स पे उठाया और उसके बाद बोला कि सब ये नहीं है वो नहीं है, देन आफ्टर 1 आवर हम लोग जा रहे हैं, मुझे तो अभी मूड ही चला गया कहीं मुझे घर जाने का मन कर रहा है, मुझे इंडिया जाना। तो गाइस फाइनली पहुंचने वाले ही हैं, अभी स्टेशन अपना आने वाला है, तो फाइनली पहुंचेंगे इतने हसल टसल के बाद। और 5 बजे हम निकले थे ट्रैम में, 1 घंटा लेट हो गए।
गाइस फाइनली भाई सही जगह पे स्टेशन पे और यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं है भाई अपनी मंजिल। सो गाइस फाइनली पहुँच गया हम इस्कॉन टेम्पल मेलबर्न। और मैं बहुत पहले, आपने मेरा अगर ब्लॉग देखा होगा तो मैं स्टार्टिंग में आया था और आज मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। सोचा था हर वीक आऊँगा बट ऑस्ट्रेलियन लाइफ ने सिखा दिया भाई इतना टाइम आपके पास है नहीं। बट कोई नहीं, भक्ति सिर्फ मंदिर जाके नहीं हो सकती, आप घर पे भी हर जगह भक्ति कर सकते हो, बस मन साफ होना चाहिए। और स्कॉन यार स्कॉन वाइब है, सब कुछ है, भगवद गीता की टीचिंग्स वहाँ पे आपको पढ़ाई जा रही है तो एक वाइब है। तो यहाँ पे आके अगर आपको पॉजिटिव रहना है, घर वालों को कम मिस करना है, मतलब मिस तो करना ही है बट उनकी याद को आपको बॉदर नहीं करने देना, तो इस्कॉन से जुड़ जाना आप। इस्कॉन हर जगह है, ऑस्ट्रेलिया में भी हर जगह है, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, सिडनी, हर जगह है। तो दीपशिखा इंडिया में भी गई है शायद, इस्कॉन कैसा एक्सपीरियंस था? मेरे होम टाउन जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ सिलचर, वहाँ में तो मतलब बचपन में गई हूँ लेकिन आफ्टर आई केम टू दिल्ली मुझे पता चला कि नहीं, आउट ऑफ नॉर्थ ईस्ट या आसाम भी लोगों में बहुत क्रेज है इस्कॉन का। मतलब इट्स नॉट लाइक जैसे हम लोग बाकी के टेम्पल्स वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे ऐसा होता है कि बहुत मतलब ज्ञान या स्पिरिचुअल चीज़ें होती है, लेकिन इस्कॉन में ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी चीज तरीके से लाइक दे एक्सप्लेन अस अबाउट द रूल्स एंड एवरीथिंग ऑफ लाइफ, तो लाइक सिंपल वे में वो सही चीज बता जाते हैं, सिंपल एज दैट। तो चलो अब चलते हैं, के लिए तो बहुत जरूरी है इस्कॉन जाना। तो यार इस्कॉन टेम्पल के पास आप ये घर देखो कितने पूरे, मतलब मुझे लग रहा है ना ये मेलबर्न के सारे विंटेज घर हैं और मतलब काफ़ी पुराने हैं ये, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल पुराने ज़मानों की तरह बिल्कुल प्यारा सा देखो। और भाई ऑलमोस्ट पहुंच गया, इस्कॉन टेम्पल आ गया फाइनली। ये देखो इधर भी यार सारे विंटेज घर हैं ये सारे, सिटी में आ गई लगता है कि मतलब विदेश आए हो। वो देखो तो गाइज आप एक चीज़ देखो, सिर्फ एक शख्स, एक आदमी, एक इंसान की वजह से आज मैं मेलबर्न में भी स्कॉन मतलब कृष्ण भगवान का मंदिर, स्कॉन की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो पूरा स्कॉन है कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित है, कृष्ण भगवान की भगवद गीता की टीचिंग, कृष्ण भगवान के बारे में बताना और पूरा मतलब लाइफ को लेके समझाना पढ़ाना आप लाइफ में क्या कैसे कर सकते हो। बट इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी श्रीला प्रभुपाद जी ने, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे इंडिया का होके मेलबर्न में यहाँ पे प्रसादम खा पा रहा हूँ, कृष्ण भगवान के दर्शन कर पा रहा हूँ। तो एक शख्स, वो भी कितनी एज में, उन्होंने सब धर्म सब कुछ छोड़ा था, अपनी वाइफ को छोड़ा था, वो भी 50-60, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, कभी फुर्सत से सुनाऊँगा। बट ये है कि एक शख्स 60 साल की उम्र में भी 3 हार्ट अटैक के साथ अमेरिका गया, फिर देश विदेश बहुत जगह ट्रैवल किया, आज ऑस्ट्रेलिया में भी मैं आज खा पा रहा हूँ, तो ये सिर्फ श्रीला प्रभुपाद जी की वजह से। तो एक शख्स सब कुछ कर सकता है, इसलिए आप अपने ऊपर विश्वास रखो, आप हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है, बस माइंडसेट और दिल साफ चाहिए। हरी बोल हरे कृष्ण। अब चलते हैं भाई अपने कहाँ, देखो इस्कॉन टेम्पल आप आओगे ना मेलबर्न में कभी तो उसके पास ही एक बड़ी प्यारी चीज़ है, वो है ये। बच गया चलो 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 चलो। आई क्या हवा चल रही है, सारे फोटोग्राफर भी आ रखे हैं यहीं पे। और दिखाता हूँ मैं आपको कितनी बढ़िया वाइब चल रही है, अभी बहुत टाइम है। ये देखो, ओह माय गॉड, देखो भाई हेवन, क्या गाना है वो, कैसा लग रहा है दीपशिखा? बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन बहुत ठंड लग रहा है। यही होता है भाई, उधर व्यू देखो आप पीछे मेरे, सनसेट होने का भी टाइम होने वाला है थोड़ी देर में, बाकी व्यू है भाई। और ये प्लेटफॉर्म पे वॉक करना,
बहुत पास आ गए। मैंने आज तो पानी बहुत भरा हुआ है, पिछली बार मैं आया था इतना पानी नहीं था, इस बार बहुत भरा हुआ है। ये देखो यार भाई वे भाई, अगर बीच में आके ठंड बहुत लगती है दीपशिका की तो हालत खराब होगी। क्यों एक दिन तो मेरे हाथ जाम हो गए थे, आप लिटरली मानोगे नहीं। यहाँ पे ना मौसम में ठंड दिखती नहीं है, बट इतनी तेज हवा चलती है कि हाथ पैर सब काँप जाते हैं। एक दिन तो मैं व्लॉग बना रहा था तो मेरा हाथ काँप गया था, फिर मैंने फोन जेब में रख लिया, हाथ भी पॉकेट में डाल लिया। तो चलते हैं भाई बाहर, बाकी देख लो आप कितना बढ़िया हो रहा है। ये देखो भाई, दिस इज द व्यू मामा, तो अब जा रहे हैं वापस यार, क्योंकि बहुत तेज़ ठंड लग रही है। मैं भी इस हुडी के अलावा कुछ और पहन के आया नहीं अंदर, और दीपशिका भी कुछ इतना हैवी पहन के आई नहीं है, तो इसलिए हमें लग रही है ठंड। अब हम जा रहे हैं वापस, वेव्स देखो यार कितनी आ रही है। चले फिर दीपशिका, मुझे कोई शॉपिंग सेंटर जाना था, कुछ लेना था। शॉपिंग सेंटर अभी इधर तो जाने का मतलब है नहीं, अब देखते हैं कोई शॉपिंग सेंटर मिलता है। बाकी क्या ये शहर के सिटी के अंदर बीच रहते ना, उनमें यही मेरे को ठीक लगा, सेंट किल्डा जो है। बाकी जो बीच है आप मेरे और ब्लॉग्स देख सकते हो, मैं काफ़ी सारे बीचेस चला गया हूँ, लंदन ब्रिज, जितना हम दूर जाते हैं। और अभी वहाँ गए थे हम, कहाँ गए थे हाँ, द ग्रेट ओशियन रोड, वहाँ पे भी बहुत अच्छे बीच थे। बाकी बीच के साइड ही है, कंस्ट्रक्शन बड़ा अच्छा है घरों का, कैफेज वगैरह, तो ये सब भी देखने लायक चीज़ है यहाँ पे। तो चलो भाई अब बस ट्रैम पकड़ते हैं और चलते हैं यहाँ से। मेरे को रूट तो पता नहीं है, देखता हूँ फ़ोन में। और भाई रोड क्रॉस करने के लिए जिनको याद नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में ये दबाना पड़ता है, और जब ये ग्रीन टर्न हो जाता है यहाँ पे एक साउंड आती है टिक 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 करके, तब ये क्रॉस करनी रहती है। बाकी देखो यार बीच अभी थोड़ा ठंडे से हो ही रहा है, मेरे भी हो रहा है। देखो बच गया, अब चलते हैं क्रॉस। तो भाई हो गई है रात और अब आ गया हूँ मैं सदर्न क्रॉस, और अपनी घड़ी है ट्रेन उधर, तो अपने जाना है अब टारनेट स्टेशन। ये देखो सिटी, मेट्रो तो मेरे को लगता है वैसी होती है, इंडिया टाइप की है, मगर रेलवे स्टेशन मतलब मेट्रो स्टेशन काफ़ी अच्छे बिल्ड करे हुए हैं यहाँ पे। देखो पहुँच गए हैं, बढ़िया दिन रहा अपना आज का, और अभी अपना भाई भी आ गया है, देखो विशाल भाई। विशाल भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो सारे, वी गुम्बर ब्लॉग्स। देखो ऑस्ट्रेलिया की इन्फॉर्मेशन हम भी देते हैं तो भाई भी पूरा देता है, तो भाई को जाके पूरा सपोर्ट करो। आज भाई का फ़ोन आया जब मैं वहाँ से निकला, और आज भाई को हमने बुलाया खाने पे तो भाई को हम खिला रहे हैं पनीर की सब्जी। और विशाल भाई क्या हाल है फिर? बाप बढ़िया, अपने बताओ कैसा चल रहा है? बाप बढ़िया। क्या कहोगे फिर स्टूडेंट्स को जो आ रहे हैं सारे, अभी का जो अभी लेटेस्ट टाइम चल रहा है उसमें जैसे रिसेशन चल रहा है अभी, तो कोई जॉब है नहीं भाई। तो रेफरेंस अपना लगा के आना, अभी मेरे को इतने मैसेज आ रहे हैं सबके जॉब्स को रिलेटेड कि भाई जॉब दिला दो, प्लीज हेल्प कर दो। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगा भाई, अभी थोड़ी तंगी चल रही है, तो अगर आपके यहाँ पे नोन है रेफरेंस है तो नारायण नहीं, मैं देखो ये अपनी जॉब दे देगा, कुछ छोड़ देगा, घर बैठ जाएगा। बाकी भाई जितने होते हैं अपने कर दिए हैं, बाकी ये है कि अब मेरे को बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो यार अपने हर इतना हो नहीं पा रहा है, ठीक है। जब एक बार पी आर वी आर हो जाएंगे, कंपनी खोल देंगे तब कर देंगे, आगे अभी तो हो नहीं पा रहा है। तो ठीक है भाई, मजाक से हट के अपना रेफरेंस लो, अपने कोई दोस्त आ रही है उनसे बोल के अपनी जॉबें लगाओ, ये तो थोड़ी परेशानी होती है। तो यार इसी के साथ ये वाला ब्लॉग भी हम एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर नए ब्लॉग में। हरे कृष्णा, और चैनल सब्सक्राइब करके जाना यार, 20 जोड़ के नहीं है, रहने दो, 20,000 पूरे करने हैं अपने, ठीक है, इसलिए जल्दी सब्सक्राइब कर दो।